नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए सामान्य हिंदी पेपर 2 का जो है 7वां मॉडल पेपर। इसके पहले हम 6 मॉडल पेपर हल करा चुके हैं। जो लोग पिछला मॉडल पेपर हल नहीं किए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया, आप वहाँ से सभी मॉडल पेपर हल कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया, आप वहां से ज्वाइन करके इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यह सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट संख्या 7 है, जो कि द्वितीय प्रश्न पत्र है, जिसमें आपसे 60 प्रश्न हिंदी के कुल पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका, निर्देश दिया गया है कि रेखांकित शब्दों का विलोम शब्द बताइए। तो नीचे जो है रेखांकित शब्द दिया गया है, उसका विलोम आपको बताना है। पहला प्रश्न है आपका, वह स्थूल काय वाला है, तो आपको स्थूल का विलोम इसमें बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूक्ष्म। स्थूल का विलोम होता है आपका सूक्ष्म, और कृस का जो विलोम होता है आपका पुष्ट होता है। उसके बाद जो है सापेक्ष का विलोम होता है निरपेक्ष, निरपेक्ष हो जाएगा, और निर्गुण का विलोम हो जाएगा आपका सगुण। अगला प्रश्न आप देखते हैं, प्रश्न संख्या 2 जो है, पंजीकृत पत्र में बाएँ तरफ नीचे प्रेषक का नाम लिखा होता है, तो प्रेषक के नीचे जो है अंडरलाइन है, तो प्रेषक का विलोम आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रेषक का विलोम होता है प्रापक। प्रेषक यानी कि भेजने वाला, और प्रापक यानी कि पाने वाला, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न आपका, संत तुकाराम ने पितरों का आवाहन किया, तो आवाहन के नीचे जो है अंडरलाइन है, तो आवाहन का विलोम आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आवाहन का विलोम हो जाएगा विसर्जन, ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। और आहूत का विलोम होता है अनाहूत, आहूत का विलोम क्या होता है, तो अनाहूत हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न आपका, परमात्मा ही सर्वज्ञ है, तो सर्वज्ञ का विलोम आपको बताना है, सर्वज्ञ के नीचे अंडरलाइन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्वज्ञ का विलोम हो जाएगा अल्पज्ञ, और अभिज्ञ का विलोम हो जाएगा आपका अभिज्ञ, और कृतज्ञ का विलोम हो जाएगा आपका कृतघ्न, कृतघ्न। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अच्छा दृश्य आंखों को प्रिय लगता है, तो दृश्य के नीचे अंडरलाइन है, तो आपको दृश्य का विलोम बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दृश्य का विलोम हो जाएगा श्रव्य, ए ऑप्शन सही हो जाएगा 5 का। और प्रत्यक्ष का विलोम होता है अप्रत्यक्ष, उसके बाद जो है मधुर का विलोम हो जाएगा कटु, और अच्छा का विलोम हो जाएगा आपका खराब। याद रखिएगा, यहाँ अच्छा का विलोम जो है खराब होगा, और भला का जो है विलोम होता है बुरा। अगला प्रश्न आपका, योगी ईश्वर में रमण करते हैं, तो आपको योगी का जो है विलोम शब्द बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, योगी का विलोम शब्द हो जाएगा भोगी। उसके बाद जो है रोगी का विलोम हो जाएगा आपका निरोगी, और रक्षक का विलोम होता है भक्षक, उसके बाद रंक का विलोम शब्द हो जाएगा आपका राजा, रंक मतलब भिखारी, तो भिखारी का हो जाएगा राजा। अगला प्रश्न आपका, ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है, तो व्याप्त का आपको विलोम शब्द बताना है क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ, व्याप्त का विलोम हो जाएगा अव्याप्त, और अव्यक्त का विलोम हो जाएगा आपका व्यक्त, उसके बाद अव्याप्त का विलोम हो जाएगा आपका सर्वव्याप्य, सर्व व्याप हो जाएगा, और अव्यापक का विलोम शब्द हो जाएगा व्यापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यात्रा के समय शकुन अपशकुन का ध्यान नहीं देना चाहिए, तो यहाँ आपसे जो है शकुन का विलोम शब्द पूछा गया है। तो यहाँ आपका जो है दोनों लिखा हुआ है, शकुन अपशकुन अपोजिट भी सामने जो है लिख दिया गया है, तो यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, कि शकुन का विलोम शब्द हो जाएगा आपका अपशकुन, सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। प्रश्न संख्या 8 का जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा, शकुन का विलोम शब्द हो जाएगा अपशकुन, और विधि सम्मत ये ऑप्शन में दिया गया है, विधि सम्मत का विलोम हो जाएगा विधि विरुद्ध, विधि विरुद्ध। उसके बाद जो है आपका कीर्ति दिया गया है, तो कीर्ति का विलोम शब्द हो जाएगा अपकीर्ति, कीर्ति का विलोम शब्द हो जाएगा अपकीर्ति, और निर्गुण का आपको पता ही होगा सगुण होता है विलोम शब्द। अगला प्रश्न आपका, प्रश्न संख्या 9, यथार्थ मनुष्यों को मानवीय मूल्यों का अनुसरण करना चाहिए, तो आपको यथार्थ का विलोम शब्द बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ई, कल्पित। यथार्थ का विलोम क्या हो जाएगा, तो कल्पित होगा,
उसके बाद निरर्थक का विलोम होता है आपका सार्थक, क्या हो जाएगा सार्थक हो जाएगा निरर्थक का विलोम। अगला प्रश्न आपका निरामिष का विलोम शब्द क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निरामिष का विलोम शब्द हो जाएगा सामिस। और कठिन का विलोम शब्द आपको पता ही होगा सरल होता है। उसके बाद जो है अंत का विलोम हो जाएगा आदि, और अथ का विलोम होता है इति। तो ये हो गया आपका 10 प्रश्न जो है विलोम शब्द के। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 है आपका, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है उसे चुनिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यहाँ लिखा हुआ है कि वह छात्र है, तो आप देख सकते हैं इस वाक्य में जो है कोई भी जो है विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। बाकी ए ऑप्शन में दिया गया वह चतुर विद्यार्थी है, तो चतुर क्या है यहाँ विशेषण है। बी ऑप्शन है कि वह अच्छा गाता है, तो अच्छा जो है क्या है यहाँ विशेषण है। और वह मेहनती छात्र है, तो मेहनती इसमें हो जाएगा विशेषण। तो सभी में जो है विशेषण है, डी ऑप्शन में विशेषण नहीं है, वह छात्र है। अगला प्रश्न आपका कि राम की गाय काली है, इस वाक्य में विशेषण का चयन कीजिए, प्रश्न संख्या 12। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, काली, यहाँ जो है काली आपका हो जाएगा विशेषण। अगला प्रश्न आपका निम्न में से एक विशेषण शब्द कौन सा है, प्रश्न संख्या 13। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुंदर शब्द जो है यहाँ आपका विशेषण है। बाकी महत्व, लघुता और लाघव ये सभी क्या हैं, तो ये सब भाववाचक संज्ञा हैं आपके, क्या हैं तो भाववाचक संज्ञा, सुंदर शब्द जो है आपका विशेषण है। अगला प्रश्न आपका इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, प्रश्न संख्या 14। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भय शब्द जो है यहाँ आपका विशेषण नहीं है, यह क्या है तो भाववाचक संज्ञा है, यह भाववाचक संज्ञा। बाकी भयभीत, निर्भीक और भीरु ये सभी जो है विशेषण शब्द हैं। अगला प्रश्न आपका निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है यहाँ सही हो जाएगा, विद्वान शब्द जो है आपका विशेषण है। अगला प्रश्न आपका वह कृशकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, इस वाक्य में विशेष कौन सा है आपको बताना है, प्रश्न संख्या 16। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यक्ति जो है इसमें आपका विशेष हो जाएगा, और विशेषण यदि पूछा जाता तो कृशकाय जो है विशेषण हो जाता। तो यहाँ पूछा गया है आपसे कि वह कृशकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, इस वाक्य में विशेष कौन सा होगा, तो व्यक्ति जो है यहाँ विशेष हो जाएगा, और विशेषण पूछता तो कृशकाय हो जाता। अगला प्रश्न आपका जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं, प्रश्न संख्या 17। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा यहाँ विशेषण, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, पांचवा शब्द जो है ये आपका विशेषण है, पांचवा शब्द जो है संख्यावाचक विशेषण होगा यहाँ, जिस विशेषण में जो है संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, तो पांचवा शब्द जो है यहाँ आपका यह विशेषण है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न अब आपका निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धीरे धीरे जो है ये आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, तो यहाँ बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, समुदाय बोधक, दोनों शब्द जो है ये आपका समुदाय बोधक संख्यावाचक विशेषण है। अगला प्रश्न आपका दीठी का तत्सम रूप क्या होगा, प्रश्न संख्या 21। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दृष्टि, दीठ का तत्सम होता है दृष्टि। अगला प्रश्न आपका 22, मुद्री का तत्सम रूप क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुद्री का। अगला प्रश्न आपका मक्खन का तत्सम रूप आपको बताना है क्या होगा, प्रश्न संख्या 23। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मृच्छर, मक्खन का तत्सम होता है मृच्छर, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है आपको बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
डी जो है यहाँ सही हो जाएगा, दिन शब्द जो है ये आपका तत्सम शब्द है, बाकी जो है करोड़ का जो है तत्सम होता है कोटि, उसके बाद तेल का तत्सम होता है तेल, उसके बाद जो है पीपल का तत्सम हो जाएगा पीपल, डी ऑप्शन जो है आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन युग्म त्रुटिपूर्ण है, प्रश्न संख्या 25। तो यहाँ जो है आप देख सकते हैं गोमय गोबर ये आपका सही है, गोबर का तत्सम होता है गोमय, क्षीर खीर, खीर का तत्सम होता है आपका, खीर का तत्सम होता है क्षीर, ये भी सही है आपका। और यहाँ देख सकते हैं सौत सपत्नी दिया गया है तो ये भी आपका सही है, पर्यंक पटरी, तो पर्यंक का पटरी नहीं पलंग होता है, तो ये जो है आपका त्रुटिपूर्ण है, सी ऑप्शन यहाँ आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द का चयन कीजिए, तो आपको 26 प्रश्न संख्या 26 से लेकर 30 तक जो है तद्भव शब्दों का चयन करना है, तो 26 में आपको बताना है कौन सा तद्भव शब्द है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खजूर शब्द जो है ये आपका तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या होता है, तो खरजूर इसका तत्सम हो जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं खंडगिरी ये आपका तत्सम है किसका, तो खंडहर का, खंडहर जो है इसका तद्भव हो जाएगा, और छत्री ये आपका तत्सम है खत्री का, और स्तंभ जो है ये भी आपका तत्सम है किसका, तो खंभा का। तो अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 27 में भी आपको जो है तद्भव शब्द का चयन करना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खीर शब्द जो है ये आपका तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है क्षीर, और खरपर जो है ये आपका तद्भव, खरपर जो है ये आपका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है खप्पर। उसके बाद जो है खादन, आप देख सकते हैं खादन भी जो है ये आपका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है खाना, और छार जो है ये भी आपका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है खार, तो यहाँ 27 में डी ऑप्शन सही हो जाएगा, खीर जो है आपका तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 28 में आपको बताना है कौन सा तद्भव शब्द है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा, कोक, कोक शब्द जो है आपका तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है आपका कुछ ही, कोक का तत्सम क्या हो जाएगा, कुछ ही हो जाएगा। कोष्ठिका जो है ये आपका ये तत्सम शब्द है किसका, कोठी का, कोठी जो है तद्भव होगा। क्रोस जो है ये भी आपका तत्सम है, इसका तद्भव होता है कोस, और खरजू ये भी जो है आपका तत्सम है किसका, तो खाज का, खाज जो है तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रश्न संख्या 29 में आपको बताना है कौन सा तद्भव शब्द है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खुर शब्द जो है यहाँ तद्भव शब्द होगा, प्रश्न संख्या 29 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, खुर जो है तद्भव, इसका तत्सम होता है छुर। उसके बाद जो है क्षेत्र जो है आपको पता है तत्सम है किसका, तो खेत का, और छुर जो है आपका ये भी तत्सम शब्द है किसका, तो खुर का। उसके बाद जो है छोदन जो है ये भी आपका तत्सम है किसका, तो खोदना का, तो प्रश्न संख्या 29 में बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 30 में भी आपको बताना है कौन सा तद्भव शब्द है, तो इसमें जो है आपका गेंद जो है आपका तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है कंदूक, गेंद का तत्सम क्या होता है, तो कंदूक हो जाएगा। गोधूम जो है आपको पता है ये तत्सम है किसका, गेहूं का, और गो शब्द जो है आपका ये भी तत्सम है गाय का, और गुहा शब्द जो है ये भी आपका तत्सम है किसका, गुफा का। तो प्रश्न संख्या 30 में ए ऑप्शन सही हो जाएगा, गेंद जो है तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है कंदूक। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 31 है, जहाँ लोगों का मिलन हो एक शब्द के लिए सही विकल्प चुनिए, तो जहाँ लोगों का मिलन हो उसे क्या कहा जाएगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सम्मेलन। अगला प्रश्न आपका, जो कानून के विरुद्ध हो उपयुक्त शब्द का चयन करें, तो 32 का जो है सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, अवैध, जो कानून के विरुद्ध हो उसके लिए एक शब्द होगा अवैध। अगला प्रश्न आपका, रंग भवन, तो रंग भवन किसे कहा जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाट्य गृह को रंग भवन कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका, त्रिकालज्ञ, तो त्रिकालज्ञ किसे कहा जाएगा, तो प्रश्न संख्या 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्वज्ञ को। अगला प्रश्न आपका, प्रतिघात, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चोट के बदले चोट को जो है प्रतिघात कहा जाता है।
नेक्स्ट है आपका, जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो के लिए एक शब्द का चयन कीजिए, प्रश्न संख्या 36। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अबोध। जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो उसके लिए एक शब्द होगा अबोध। अगला प्रश्न आपका, जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अभियुक्त। अगला प्रश्न आपका, बिना वेतन काम करने वाला को जो है क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवैतनिक। नेक्स्ट आपका, कठिनाई से होने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दुःसाध्य। नेक्स्ट है आपका, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सी सही हो जाएगा, सुग्रीव। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, ग्रीवा यानी कि गर्दन, जिसकी गर्दन सुंदर हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा सुग्रीव। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, प्रश्न संख्या 41। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फलों का विक्रेता मुझे प्रतिदिन फल दे जाता है, ये वाक्य जो है आपका शुद्ध है, बाकी सभी गलत हैं। ये ऑप्शन दिया गया, तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता, ये आपका गलत है, यहाँ होना चाहिए तुमसे कोई काम नहीं हो सकता, तो इसलिए आपका गलत हो जाएगा। नेताजी की मृत्यु क्षोभजनक है, ये भी आपका गलत है, नेताजी की मृत्यु दुखद, यहाँ होना चाहिए दुखद है, उसके इसलिए गलत हो जाएगा। और डी ऑप्शन जो दिया गया, दिन भर वह कड़े परिश्रम करता है, तो इसका सही जो आंसर, सही शब्द हो, सही वाक्य होगा, दिन भर वह बहुत परिश्रम करता है, दिन भर वह क्या बहुत परिश्रम करता है। तो यहाँ जो है आपसे पूछा गया वाक कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो सी ऑप्शन आपका जो है शुद्ध हो जाएगा, फलों का विक्रेता मुझे प्रतिदिन फल दे जाता है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, यानी कि आपका गलत कौन सा है बताना है, प्रश्न संख्या 42 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तुम तुम्हारे घर चले जाओ, ये वाक्य जो है आपका गलत है, तुम घर जाओ, यहाँ ऐसा होना चाहिए तुम घर जाओ, तब ये वाक्य जो है आपका शुद्ध होता। तो आपसे पूछा गया है कौन सा अशुद्ध है, तो डी ऑप्शन जो है आपका अशुद्ध है, बाकी सभी सही हैं। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, प्रश्न संख्या 43। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, ये वाक्य जो है आपका शुद्ध है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, प्रश्न संख्या 44। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा, यहाँ पिताजी बाजार से सब्जी लाएं, ये वाक्य जो है आपका शुद्ध है, सभी बाकी सभी जो है ये ऑप्शन आप देख सकते हैं, पिताजी बाजार से सब्जी लाया, ये आपका गलत हो जाएगा। बी है, पिताजी ने बाजार से सब्जी लाई, ये भी गलत हो जाएगा। डी है, पिताजी बाजार से सब्जियां ला दी, ये भी जो है आपका गलत हो जाएगा। तो शुद्ध वाक्य जो होगा ऑप्शन सी, पिताजी बाजार से सब्जी लाएं। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, प्रश्न संख्या 45। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए से हो जाएगा, यहाँ बातें करते करते हमने रात बिता दी, ये वाक्य जो है आपका शुद्ध है, बाकी सभी गलत हैं यहाँ। अगला क्वेश्चन आपका, इनमें कौन सा शुद्ध शब्द जो है शुद्ध है, प्रश्न संख्या 46। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, पानी शब्द जो है यहाँ आपका शुद्ध है, बाकी आप देख सकते हैं वाल्मीकि इस तरह नहीं लिखा जाता है, तो वाल्मीकि जो है इस तरह लिखा जाएगा। उसके बाद जो है उज्ज्वल, आप देख सकते हैं उज्ज्वल जो है आपका इस तरह लिखा जाएगा। द्वंद भी जो है आपका गलत है, तो द्वंद आप देख सकते हैं जो है आपका इस तरह सही होगा। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द कौन सा है, प्रश्न संख्या 47। तो आप देख सकते हैं बी ऑप्शन जो है यहाँ सही हो जाएगा, जिजीविषा आपका बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, वर्तनी की दृष्टि से इनमें अशुद्ध शब्द कौन सा है, प्रश्न संख्या 48। तो आपको अशुद्ध शब्द बताना है, तो ये ऑप्शन जो है आपका अशुद्ध है यहाँ, यानी जो है ये आपका गलत है, यानी जो बी ऑप्शन जो है यानी कि इस तरह लिखा जाएगा, बाकी सभी जो है सही है आपका, शुष्क भी सही है, सूची भी सही है, यानी कि बी जैसे यहाँ यानी इस तरह लिखा जाएगा आपका। अगला प्रश्न आपका, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है, प्रश्न संख्या 49। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ज्योत्सना, आप देख सकते हैं ज्योत्सना इस तरह लिखा जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन आपका, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सन्यासी, ये ऑप्शन जो है आपका सही होगा, सन्यासी इस तरह लिखा जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपका, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, आपको बताना है कौन सा है वह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंह, पंचानन, नाहर और मृगार, ये सभी जो है शेर के पर्यायवाची हैं। ये ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। बाकी आप देखते हैं सभी में जो है कोई ना कोई गलत दिया गया है। बी ऑप्शन जैसे दिया गया है कि सूर्य, रवि, दिनकर, तरड़ी, तो सूर्य, रवि, दिनकर ये सभी सूर्य के पर्यायवाची हैं, और तरड़ी जो है ये आपको पता है ये नौका का पर्यायवाची है। इसी तरह जो है सब में आपका गलत है, ये ऑप्शन जो है आपका सही है। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है कौन सा है वह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पसम जो है ये आपका पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, बाकी प्रस्तर, उपल और पाहन ये सभी जो है पत्थर के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है अब आपका कि एक यमुना का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है कि वह कौन सा है। प्रश्न संख्या 53, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तनुजा। तनुजा जो है आपको पता होगा पुत्री का पर्यायवाची है, बाकी रविजा, सूर्यजा, अर्कजा, कालिंदी ये सभी जो है आपका यमुना का पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है कि कौन सा है वह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ससधर। ससधर जो है आपका चंद्रमा का पर्यायवाची होता है, बाकी ललाटाच्छ, गंगाधर, त्रिलोचन ये सभी जो है शंकर के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है कौन सा है वह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंबु। अंबु आपको पता होगा जल का पर्यायवाची है, तो यहाँ जो है आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि आम का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो अंबु जो है ये आम का पर्यायवाची नहीं है, बाकी अति सौरभ, सहकार और रसाल ये सभी आम के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आपको बताना है कौन सा है वह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कमलासन। यह जो है आपको पता होगा लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है कमलासन, बाकी कमलेश, कमलाकांत, कमलापति ये सभी विष्णु के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न आपका, मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सुंदरी। सुंदरी जो है यह मीनाक्षी का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन आपका, कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तुरंग। तुरंग यह घोड़ा का पर्यायवाची होता है, बाकी सर्प, अही और विषधर ये सभी नाग के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन आपका, प्रश्न संख्या 59, कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूसुर। भूसुर जो है आपको पता होगा यह ब्राह्मण का पर्यायवाची होता है, बाकी राक्षस, दानव और निशाचर ये सभी दैत्य के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, इनमें मदिरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमी। अमी आपको पता होगा यह अमृत का पर्यायवाची होता है, बाकी सुरा, मधु और मध्य ये सभी जो है मदिरा के पर्यायवाची हैं। तो प्रश्न संख्या 60 में जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अमी यह जो है मदिरा का पर्यायवाची नहीं है। किसका पर्यायवाची है, तो यह अमृत का पर्यायवाची है। तो दोस्तों ये था आपके जो है हिंदी के कुल 60 प्रश्न। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया, आप वहाँ से ज्वाइन करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।